झांसी के मोट में नगर पंचायत द्वारा ठेकेदार को दिए गए स्टैंड शुल्क के नाम पर ठेकेदार गुंडागर्दी के बल पर अवैध उगाही का आरोप ई रिक्शा चालकों ने लगाया है। दर्जनों की संख्या में ई रिक्शा चालक लामबंद होकर अपने ई रिक्शों के साथ मोट तहसील जा पहुंचे, जहां उप जिलाधिकारी मोट को ई रिक्शा चालकों ने लिखित रूप से शिकायती पत्र देकर गुंडा टैक्स वसूलने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें कि ई रिक्शा चालकों से अवैध उगाही का मामला नगर पंचायत मोट से सामने आया, जहां दर्जनों की संख्या में ई रिक्शा चालकों ने मोट तहसील परिसर में अपने ई रिक्शा के साथ पहुंचकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अवैध उगाही रोके जाने के लिए ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा चालकों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके दो वक्त की रोटी जुटाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, लेकिन नगर पंचायत के दबंग ठेकेदारों की गुंडागर्दी के कारण ई रिक्शा नहीं चला पा रही। उन्होंने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार गुंडागर्दी का रोज 20-30 रुपए की रसीद जबरन काट रहे हैं। इसके साथ ही ठेकेदार पर एक और गंभीर आरोप लगा है, जिसमें स्टैंड शुल्क के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र में भी जाकर ई रिक्शा चालकों से अवैध उगाही की जा रही है। मना करने पर गाली गलौज कर रिक्शा को पंचर करने व रिक्शे पर लेकर जा रहे सामान फेंकने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही रसीद न कटवाने पर ई रिक्शा को न चलाने की धमकी दी गई। दर्जनों की संख्या में पहुंचे हुए ई रिक्शा चालकों ने विरोध जताते हुए उप जिलाधिकारी से ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सोनू कुमार बमरोली। क्या समस्या को लेकर आए सर? कहीं नहीं कटती है पर्ची और यहाँ मोड़ में कट रही है पर्ची। ई रिक्शा की वही 10-5 रुपए की सवारी मिलती है साहब, और वैसे कह रहे हैं कि हमें 20 रुपए की पर्ची दो। वही 250 मंगवा लेते, कोई भाड़ा वाला है 300 रुपए भाड़े पर चला रहा है, कहाँ से कमाएगा? कौन लोग काट रहे हैं? ये नगर पंचायत वाले। तो क्या कोई रिसीविंग वगैरह दे रहे हैं? हाँ ये साहब, ये रसीद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? और हमने साहब नहीं दे रहे, सो कह रहे जाओ कोई STM साहब से मिले, हम नहीं जानते कुछ कच्ची, हम तो काटेंगे। क्या लगता है? गुंडा टैक्स चला रहे हैं। अच्छा, खुद का टैक्स चला रहे हैं। हाँ। ADM साहब को ज्ञापन दिया है? नहीं साहब, दे रहे हैं। संतोष सिंह। संतोष जी, क्या समस्या को लेकर आए हैं? सर ये समस्या ऐसी है कि मतलब अभी हम लोग इतना कम में रिक्शा चल रहा है जो भी है, और दिन भर घूमते हैं ऐसे धूप में चल रहे हैं, और पैसे वही 100-200 रुपए मिलते हैं, उसी में 20 रुपए इनको काटेंगे, और महीने का 600 रुपए हो रहा। अब प्लस है, सालाना करें तो 6-8 हज़ार के समथिंग। अब हम लोग इतने गरीब हैं तो उस हिसाब से इतने पैसे कहाँ से देंगे? किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं वो? हमारा वो जिला पंचायत वाले ले रहे हैं, नगर पालिका वाले, तो ये लोग पैसा दे बोल रहे हैं, वो तुम लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, सवारी ले जा रहे हैं, भाड़ा ले जा रहे हैं, उसका पैसा दो। अगर पैसे के लिए हम लोग मना कर रहे हैं तो बोल रहे हैं वो तुम्हारा सामान ले जाओगे, सामान फेंक देंगे, सवारी नहीं बनने देंगे, ऐसी गाली गलौज भी कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब सुना रहे हैं, और बोल रहे हैं अगर ज़्यादा वो करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी तुम लोगों को, तुम्हारा रिक्शा पंचर कर देंगे, चलाने नहीं देंगे, ऐसी सब धमकियाँ दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी ये जो नगर पालिका की जो रसीद कट रही है ये हमारी ना कटे, और हम लोग जो सुशांति से जो हम लोग जैसा अपना अर्थव्यवस्था चला रहे थे, घर परिवार अपना वैसा चले, हम लोगों को और दूसरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लगता है गुंडा टैक्स वगैरह वसूला जा रहा है? वही सर, ये सब चीज़ें मतलब देख के हो रही है, मतलब ऐसा लगता है लोगों को ये लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, और ये लोग ऐसा घूम फिर के ज़्यादा वो कर रहे हैं तो पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, 1000 कोई बोलता 1500 रुपये, ऐसा कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हम लोग वही अपना घर का गुजारा हो रहा है, इतना पैसा कमा लेते हैं बस, वही उसी में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो आपने शिकायत की है इसकी? सर अभी हम विज्ञापन लेके आए हैं ये SDM सर के लिए, तो ये शिकायत के लिए आए हम लोग, सभी लोग आए हैं भाई लोग, तो इसी के लिए आए हैं कि हमारी कुछ सुनवाई हो आपके द्वारा। कितने लोग होंगे? होंगे सर वही 30 मान लो 35। उप जिलाधिकारी परमानंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रिक्शा चालकों ने अवैध उगाही का शिकायती पत्र दिया है, दोनों पक्षों को बुलाया जा रहा है, नियमानुसार ई रिक्शा चालकों से शुल्क वसूल सकते हैं या नहीं, इसके साथ ही स्टैंड शुल्क के नाम पर स्टैंड पर ही वसूला जा रहा है या फिर अन्य जगहों पर भी शुल्क वसूल रहे हैं, इसकी जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। सर मामला ई रिक्शा को लेकर जिस पर अवैध वसूल चलते हैं, नगर पंचायत के पैसे दिया जा रहा है, क्या है? देखिए अभी कुछ देर पहले ई रिक्शा चालकों का एक समूह है, उन्होंने जो है एक शिकायत करी है कि उन जो रिक्शा चलाते हैं तो वहाँ पर स्टैंड पर या फिर नगर क्षेत्र के बाहर भी, तो उन्होंने शिकायत करी है कि उनसे जो है पर्ची काट कर 20-30 रुपये की वसूली की जा रही है। तो इसके संबंध में नगर पालिका के जो अधिकारी संबंधित हैं उनको और जो संबंधित
फर्म वहाँ पर ठेका ली है, उसके संबंधित सारी चीज़ों को बुलवाया गया है, सारे अधिकारियों को बुलवाया गया है और उनसे जानकारी अभी ली जाएगी कि जो टेंडर हुए हैं उनमें क्या क्या नियम हैं, किन नियमों के तहत वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और नगर क्षेत्र के बाहर अगर वसूली की जा रही है या पर्ची भी काटी जा रही है तो वो थोड़ा सा एक सेंसिटिव मुद्दा है, उसको भी देखा जाएगा। तो अभी दूसरे पक्ष को बुलाया गया है, सारी बातों को सुनने के बाद एक उस पर जो भी आवश्यक निर्णय होगा वो लिया जाएगा।